आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पार्लियामेंट दा सर्दियां दी रुत्त दा समागम अज शुरू होण जा रहा है। गुजरात अते हिमाचल प्रदेश विधानसभा लई होईआं चोणां च पईआं वोटां दी गिणती कल होएगी। आरबीआई अज अपने दुमाही माली नीति जायजे दा ऐलान करेगा। विश्व बैंक ने चालू माली साल लई भारतीय आर्थिकता लई वाधा पेशीनगोई वधा के 6.9% कर दित्ती ए। भारत और बांग्लादेश दरमियान दूजा एक दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज ढाका च खेडिया जाएगा। फुटबाल विच कतर विखे हो रहे फीफा विश्व कप विच पुर्तगाल ने ते मोरक्को क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गए ने। पार्लियामेंट दा सर्दियां दी रुत्त दा समागम अज शुरू हो रहा है। समागम तो पहला कल नवी दिल्ली दे पार्लियामेंट कॉम्पलैक्स विच एक सर्व पार्टी मीटिंग हुई। मीटिंग च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्लियामेंट्री मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी, पार्लियामेंट्री मामलों बारे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके नेता टीआर बालू, तिरुचो शिवा, टीएमसी नेतावां डेरेक ओब्रेन, सुदीप बंदोपाध्याय, सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम, दूजियां सियासी पार्टियां दे नेतावां ने मीटिंग च हिस्सा लिया। मीटिंग मगरों पार्लियामेंट्री मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सभापति वल्लों आग्या दित्ते जाण वाले किसी भी मुद्दे ते बहस लई तैयार है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार नूं समागम दौरान बेरोजगारी, महंगाई दर अते भारत चीन सरहद वर्गे वख-वख मुद्दियां ते बहस कराउण दी अपील कीती है। चोण कमिशन कल होण वाली गुजरात ते हिमाचल प्रदेश चोणा दी वोटां दी गिणती नूं निर्विघन ते अमनपूर्ण बनाउण लई सारे जरूरी कदम चुक रहा है। सरकारी हलकियां ने कहा कि गुजरात विच 182 विधानसभा सीटां च कुल 37 गिणती केन्द्र होणगे। हिमाचल प्रदेश विच 68 केन्द्रां ते होण वाली वोटां दी गिणती लई सारियां तैयारियां पूरियां ने। आकाशवाणी दा समाचार सेवा डिवीजन गिणती वाले दिन ते विशेष प्रोग्राम प्रसारित करेगा। दिल्ली म्यूनसिपल कारपोरेशन दे 250 वार्डा लई चोणां च पईआं वोटां दी गिणती अज होएगी। एह गिणती सारे 42 गिणती केन्द्रां ते 8 बजे शुरू हो गई। आकाशवाणी खबरां नाल गल्लबात करदिआं राज दे चोण कमिश्नर विजय देव ने कहा कि वोटां दी निर्विघन गिणती यकीनी बनाउण लई सारे गिणती केन्द्रां ते व्यापक सुरक्षा इंतजाम कीते गए ने। 709 औरत उम्मीदवारां समेत 1349 उम्मीदवारां दी सियासी किस्मत दा फैसला अज होएगा। जर्मनी दे विदेश मंत्री अनालेना बायरवोक ने मुख चोण कमिश्नर राजीव कुमार अते चोण कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे ते अरुण गोयल नाल कल नवी दिल्ली च निर्वाचन सदन विखे मुलाकात कीती। इस मौके बोलदिआं मुख चोण कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि चोण कमिशन आजाद, निरपक्ष, समावेशी, पहुंचयोग ते हिस्सेदारी वालियां चोणां कराउण लई गतिशील चोण अमल यकीनी बनाउंदिआं 1,10,00,000 चोण अमले नाल 11,00,000 वोट केन्द्रां ते 95 करोड़ वोटरां लई प्रबंध करदा ए। उन्हां जोर दे के कहा कि चोण कमिशन हरेक पद्धर ते जानकारी सांझी कीते जाण अते सियासी पार्टियां दी हिस्सेदारी यकीनी बनाउंदा ए। जर्मनी दे विदेश मंत्री ने विश्व दे सब तो वड्डे लोकराज विच ईसीआई वल्लों चोण प्रबंधी इन्नी वड्डी कारवाई लई कमिशन दी तारीफ कीती। भारतीय रिजर्व बैंक अज अपने दुमाही मुद्रा नीति दा ऐलान करेगा। माहरानू ब्याज दरां च 25 तों 35 आधार अंकां दा मामूली वाधा होण दी उम्मीद है, क्योंकि महंगाई दर दे घटण दे संकेत दिसणे शुरू हो गए ने। भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप दे मुख आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा कि सानू उम्मीद है कि आरबीआई दरां च थोड़ा वाधा करेगा। इस समय नीति रेपो दर 5.9% है। आरबीआई ने महंगाई दर ते काबू पाउण लई जून तो लैके 3 बार कर्जा देण दी मुख बेंचमार्क दर विच 50 आधार अंकां दा वादा कीता है। परचून महंगाई दर घटण दे संकेत दिखा रही है, पर हाला भी इस साल जनवरी तों केंद्रीय बैंक दी महंगाई दर बारे उपरी सीमा 6% तों ज्यादा है। खुराकी वस्तां दीआं कीमतां घटण करके अक्तूबर च महंगाई दर घट के 6.77% ते आ गई है। विश्व बैंक ने कहा कि साल 2022-23 च भारतीय आर्थिकता दे वाधे दी दर
6.9% रहेगी। इसने अक्टूबर च वाधे की दर 6.5% रहने की पेशीनगोई की थी। इसने अगे कहा कि भारत ने चुनौती भरे बाहरी माहौल के बावजूद मजबूती दिखाई है। एक बयान विच विश्व बैंक ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद भारत वालों मजबूत GDP वाधा दर्ज करन अते जबरदस्त घरेलू मांग कारण विश्व च सब तो तेजी नाल उभर रही आर्थिकतावां विचों एक बनन की संभावना है। इसने कहा कि भारतीय आर्थिकता उभर रहे दूजे बाजारां दे मुकाबले आलमी प्रभावां तो थोड़ा ज्यादा सुरक्षित है। उधर फिच रेटिंग्स ने चालू माली साल लई भारत की आर्थिक वाधे की दर 7% रहने की पेशीनगोई बरकरार रखी है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत इस साल सब तो तेजी नाल तरक्की कर रहे बाजारां विचों एक हो सकता है। इसने माली साल 23-24 लई GDP वाधे की दर 6.2% रहने ते माली साल 24-25 लई 6.9% रहने का भी अनुमान लाया। एक खबरा तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजा नूं भविख लई भोजन का विकल्प बनाउण ते जोर दिता है। उन्हां कहा कि मोटे अनाज मनुखा वल्लों उगाईयां गईयां शुरुआती फसलां च शामिल सन अते पौष्टिक तत्तां दा अहम स्रोत ने। श्री मोदी ने कल इटली च रोम विखे खुराक अते खेतीबाड़ी संगठन FAO दे सदर मुकाम विखे मोटे अनाजां बारे अंतरराष्ट्रीय साल दे उद्घाटनी समारोह दौरान अपने सुनेह च एह गल कही। खेतीबाड़ी अते परिवार भलाई बारे केंद्रीय राज मंत्री शोभा करंदलाजे ने उद्घाटनी समागम च भारत की नुमाइंदगी की थी। प्रधानमंत्री मोदी का सुनेहा पढ़िया। श्री मोदी ने कहा कि मोटे अनाज खपतकार काश्तकार अते जलवायु सारे लई चंगे ने। विज्ञान ते तकनालोजी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि आलमी चुनौतियां नाल किसी भी विचारधारा ते व्यक्तिगत झुकावां दी परवाह कीते बिना आलमी सहयोग राही नजिठण दी जरूरत है। पुलाड़ कूटनीति अते अंतरराष्ट्रीय सहयोग नूं समर्थ बनाउण च विदेश नीति दी भूमिका बारे अबूधाबी च मंत्रियां दे भरवें समागम च बोलदिआं डॉ सिंह ने कहा कि पुलाड़ खेतर दा विकास भारत अते संयुक्त अरब अमीरात दोहां दे नेतावां लई तरजीही खेतरां च इक है। कश्मीर वादी च जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौज नाल रल के कल उत्तरी कश्मीर दे बारामुला जिले दे उड़ी सैक्टर च गोली सिक्के दा भंडार बरामद कीता है। सरकारी हलकिआं अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पक्की खुफिया जानकारी दे आधार ते फौज दी 16SIKHLI नाल रल के उड़ी सैक्टर दे चौरांदा इलाके च घेरा पाउण ते भाल दी कारवाई शुरू कीती। भाल कारवाई दौरान पुलिस अते फौज दी सांझी टीम ने 200 रौंद एके रौंद 8 चीनी ग्रेनेड अते फोटक समग्री समेत गोली सिक्का फड़िया है। भारत लई श्रीलंका दे हाई कमिश्नर मिलिंदा मोरागोड़ा ने कल केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन नाल मुलाकात कीती अते इस टापू देश दे मुश्किल समय च इस नूं भारत वल्लों मुहैया कीती गई हंगामी मदद लई उन्हां दा धन्नवाद कीता। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल चेन्नई नेड़े चेंगलपेट विखे अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी विखे वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफार्म दा उद्घाटन कीता। इस मौके बोलदे श्री ठाकुर ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी रक्षा खेतीबाड़ी बागवानी ते सिनेमा लई जरूरी है ते कई खेतरां लई इक विकल्प हो सकदी है। कल राजस्थान दे उदयपुर च भारत दी जीवी प्रधानगी दी पहली शेरपा मीटिंग दे तीजे दिन वाधे बहुपक्षीवाद अते औरतां संचालित विकास दे नाल नाल खुराक ईंधन ते खाद सैर सपाटा ते सभ्याचार समेत अहम आलमी मुद्दयां ते ठोस गल्लबात हुई। क्रिकेट च भारत अते बांग्लादेश दरमियान दूजा एक दिन अंतर्राष्ट्रीय मैच ढाका दे शेर ए बांगला नेशनल स्टेडियम च खेडिया जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 11:30 बजे शुरू होगा। फीफा विश्व कप 2022 फुटबॉल विच पुर्तगाल ने कतर च 16 दे गेड़ दे एक मैच विच स्विट्जरलैंड नू 6-1 हरा के क्वार्टर फाइनल च थां बना लई है। पुर्तगाल दा क्वार्टर फाइनल च मोरक्को नाल मुकाबला होगा। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। पार्लियामेंट दा सर्दियां दी रुत दा समागम अज शुरू होण जा रहा है। गुजरात अते हिमाचल प्रदेश विधानसभा लई होईयां चोणां च पईयां वोटां दी गिणती कल होएगी। RBI अज अपना दुमाही माली नीति दा ऐलान करेगा। विश्व बैंक ने चालू माली साल लई भारतीय आर्थिकता लई वाधा पेशीनगोई वधा के 6.9% कर दित्ती है। भारत अते बांग्लादेश दरमियान दूजा एक दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अज ढाका विखे खेडिया जाएगा ते फुटबॉल च कतर विखे हो रहे फीफा विश्व कप विच पुर्तगाल ते मोरक्को क्वार्टर फाइनल च पहुंच गए ने। इसे नाल आकाशवाणी तो खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।